गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है इस टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि रूम में जो है फ़ैन चल रहा है और अभी सो रहा है, इसलिए मैं फ़ैन बंद नहीं कर सकती, वरना वो जाग जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे पास ओनली वन रूम है, तो इसीलिए मुझे यहीं बैठकर वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ फ़ैन की जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सभी को मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ कोई भी अपना रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो है डेली 4 से 5 कमेंट ऐसे आते हैं जिनमें आप सभी मुझसे सवाल करते हैं कि मैम आप कहाँ रहती हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप जहाँ रहते हैं वो घर किराए का है या खुद का है। तो ये सभी चीज़ें मैं बहुत दिनों से आप सभी से छिपाती आ रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराना अब ठीक नहीं है। तो बस इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और सभी को अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे दूँगी। और ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप सभी मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मुझे पहचानना चाहते हैं। तो बस इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आज मैं आपको अपना फुल इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, तो ये वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। आशा करूँगी कि मेरे बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम रेनू है, फुल नेम रेनू सत्या, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 6 साल की और एक बेटा है 1.25 साल का, जिन्हें आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा। और अगर एजुकेशन की बात करें तो मैंने MA के साथ BEd किया है, और आगे अब टीचिंग की तैयारी चल रही है, तो मैं टीचिंग की तैयारी करती रहती हूँ। एक दो बार टेट का एग्ज़ाम भी दिया है बट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो बस उसी की तैयारी करती रहती हूँ। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है कि मैं मेडिसिन खाती हूँ, तो मैं एक SLE की पेशेंट हूँ। अगर आप SLE के बारे में नहीं जानते हैं तो ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, जिसमें जो है हमारे जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वह हमारे ही बॉडी पार्ट्स को हार्म पहुंचाना शुरू कर देता है, तो ये एक वही बीमारी है। तो आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप क्रोम में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। तो मैं एक SLE पेशेंट हूँ और बस उसी की टेबलेट्स लेती रहती हूँ, उसी की दवाई जो है मेरी चलती रहती है। बात करें हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड जो हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, जिसे हिंदी में उद्यान विभाग भी कहते हैं, जिसके अंदर जैसे जो गवर्नमेंट पार्क वगैरह होते हैं, जो भी सरकारी पार्क होते हैं, उनकी जो देख रेख होती है वो सभी इसी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। किसानों को जो भी साग सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो बाग बगीचे लगाए जाते हैं उसकी व्यवस्था भी इसी डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, और किसानों को अच्छी खासी उसकी सब्सिडी दी जाती है, उनकी काफ़ी मदद की जाती है। तो यही सब इस डिपार्टमेंट का काम होता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि इस डिपार्टमेंट के क्या क्या काम होते हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, जिसे हिंदी में उद्यान विभाग कहते हैं। वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। तो बस यही जॉब है जो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो इसी के वजह से हमें जो है क्वार्टर मिला हुआ है। जिस घर में मैं रहती हूँ वो ना ही रेंट का है और ना ही हमारा है, वो एक गवर्नमेंट क्वार्टर है।
और अगर बात करें रेसिडेंट की, तो मैं यूपी के इटावा शहर की रहने वाली हूँ। मैं इटावा में रहती हूँ। यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड जो हैं जॉब करते हैं, तो ये मेरा ससुराल नहीं है। मेरा ससुराल है वो कहीं और है, वो फिर मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी। अभी जहाँ हस्बैंड जॉब करते हैं मैं वहीं रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो हैं इटावा में ही जॉब करते हैं, तो यहीं पर हमें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, तो हम लोग वहीं रहते हैं। और अगर बात करें हमारी मैरिज की कि हमारी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो हमारी अरेंज मैरिज है। घर वालों की पसंद से ही हम लोगों ने शादी की है, और हमारी शादी को जो है 7 साल पूरे हो चुके हैं। ये हमारी 8वीं साल चल रही है। तो यही थे आपके कुछ सवालों के जवाब, जो डेली मेरे पास 4 से 5 सवाल आ ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप मेरे में अच्छे से जान गए होंगे। तो बस यही मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। आप सभी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो सोचा अब ज़्यादा इग्नोर करना सही नहीं है। आखिर कब तक आपसे छुपाऊंगी? तो बस यही सब आपके साथ आज शेयर करना था। आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे और मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।